अग्नि मी जिम लावणार आहे. यस, तुला लावायची का? आज संध्याकाळपासून मी जिम लावणार, व्यायाम करणार. अंगद सोबत मम्मा जाते ना, तिघं कसे राहणार गाडीवरती? एक गाडी तू, मी आणि मम्मा. कशाला गाडी? मी असं चालत चालत जाणार. अशी मी सर, मी फक्त क्रॉस केलं की जिम आहे मला. हो, पण आधी फिटनेस करा. पोट जरा आज झालं तुम्हाला, पोट जाईल ना आतमध्ये. काय पोट करताय की मग जिम लावा? फिटनेस आणि जिम एकच आहे ना. फिटनेस जिम मध्ये जाऊन करायचा असतो ना. अंगदही जिम मध्ये जातो. त्या जिम मध्ये जाऊ नाही, मी वेगळ्या जिम मध्ये जाणार. काय बोलतू? बोलतू आणि आम्ही एका जिम मध्ये जाणार. बोलतू ने आंघोळ केली, असं असं केलं. हां, कान ओले आहेत तुझे, केस पडतायत बघ किती. अंगद कधी येणार आहे? तुझी परीक्षा कुठली होती आज? पेपर चांगला गेला? काय बोलते? मग सायन्सलाच का पुणी वाजते तुमची? हा, सायन्स इज टफ. काय रे बोल, आहे की नाही? सर्वात सोपा पेपर आहे इंग्लिश, म्हणून तू गेम खेळते. बघा बघा, गेम खेळते. बघा बघा, बंद करतो कोरियन गेम. डिस्गस्टिंग कोरियन गेम्स. काय रे बोल, बंद करा गेम्स खेळणं, बंद करा. पहिला अभ्यासावर लक्ष द्या. अभ्यास ठेवला बाजूला आणि गेम्स खेळताय. आज शाम से मैं जिम जाने की सोच रहा हूँ. म्हणजे आता मी जिम जाके मैंने देख के आया हूँ. उसको बोला की मैं शाम को आता हूँ. अभी शाम के बाद क्या होगा पता नहीं. संध्याकाळपर्यंत मोटिवेशन राहिलं पाहिजे जिमला जायचं. एकदा गेलो की मग मी करतो. एक बार गया ना फिर अपन करेगा. जाने तक का मोटिवेशन जरूरी आहे. तू येते का? चल तर जाऊ अंगद लागण्याला. आपण हे पकड, आज माझा फुल मल्टी ब्रँड झालाय. खाली आदिदास, वरती पुमा, त्याच्यावर टायका. सायको दिसेल कोणी एवढे ब्रँड घालून. अरे म्हणजे काय काय असं थोडी असतो. आम्ही सगळ्या ब्रँडचं प्रमोशन करतो. हम सब ब्रँड का प्रमोशन करते. हम किसी को दुजा भाव नाही करते. नीचे आदिदास पहनते, ऊपर पुमा पहनते, उसके ऊपर टायका पहनते, उसके ऊपर नाईकी. हे बघ, कॅप नाईकी जी. चल, येते का तू अंगद लावण्याला? अरे मग शॉर्ट घालून घेत नाही ना आतमध्ये. मला माहिती, एकदा मला बाहेर काढलं. सर, शॉर्ट्स अलाउड नाही आहे स्कूल मे. बाहेर वर राहिलो. हो का? ठीक आहे, चला करूया. चल काम करूया. चल ना, चल धर. अरे जाड झालायस तू म्हणून ओळखत नाही. काय केलं स्कूल मध्ये आज? काय शिकलीस? शिकलो नाही, पण शिकला नाही. काय हिस्टॉरिक पीरियड शिकला काय स्कूल मध्ये? हिस्टॉरिक पीरियड शिकलो आणि बाकीचे दोन क्लासेस मध्ये ओरल्स घ्यायचे राहिलेले. त्याच्यामुळे काहीच नाही शिकवलं बाकीचे दोन क्लासेस. ओरल्स घेतले का म्हटलं पोरांचे? गुड बॉय पुष्पराज. आज मी जिमला जाऊन आलो. मी सकाळी जिम बघून आलो. आज संध्याकाळी मी जिमला जाणार आहे. मी पण जाणार. मी वेगळ्या जिमला जाणार. तुम्ही वेगळ्या, मी वेगळ्या. काय स्त्री गेम खेळते बघ रे. खुशाल लाज नाही काय नाही. माझ्या समोर बिंदास गेम खेळायला लागल्या. हिला पण जरा काढू करे, जरा फटके देऊन काढू हाताखाली. जरा सुधरेल. तुला तुला कसं सुधरवला मी? दीदीला पण सुधरवतो. The next day. कोणीच क्लास मध्ये नाही. Teacher, can I tell Krishna Dadu? Wait, I'm calling out the name I've told. Himanshu Admane. Blank. Ketki Sathe. Why are you not answering? No one is attending the lecture. Only they are log in and not attending the lecture. कल व्लॉग करते करते आधा छूट गया है वापस मेरे से. आज ऐसे नहीं होने दूंगा. कल मैंने जिम ज्वाइन करी. एकेडमी थी. एकेडमी के बाद जिम गया. जिम से आने के बाद जो थक गया था, खाना खा के जस्ट हो गया. अभी उठा हुआ है, कैमरा हाथ में लिया. मॉर्निंग को एक अंगद का वीडियो अपलोड किया है स्टेट डे स्पोर्ट्स पे. वो अभी पब्लिश कर दूंगा. फर्स्ट टाइम मेरे को ना जिम में ऐसे थकान महसूस हुई. इतने साल मैं जिम कर रहा था बट कभी ऐसे थकने को नहीं. अभी एज मैटर्स कर रहा है बहुत ज़्यादा. फर्स्ट दिन था, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं किया था, फिर भी आने के बाद जो थक गया था डेडली. होप अभी ऐसे जिम ज़रा कंटिन्यू करूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो अभी वेट लूज़ करना भी बनता है. अंगद और प्रक्षुति फिटनेस के लिए जाते हैं एंड मैं मेरे घर के सामने एक जिम है वहाँ पर जाता हूँ. पहले जाता था वहीं पे कंटिन्यू करना वापस चालू किया है मैंने. अग्नि गई है स्कूल, उसके एग्जामिनेशन चालू है और अंगद की आज ऑनलाइन स्कूल है. बहुत सारे बच्चे लॉग इन करके अटेंड ही नहीं कर रहे. टीचर कब से मॉर्निंग से नाम चिल्ला रही. अरे इतने लोग है, आवाज देती हूँ तो कोई आंसर नहीं कर रहा है. तू आज बसला है रे राजा, तुझं पण असं असतं.
आमचा आता हा पेज चालू आहे, म्हणजे हा लेसन चालू आहे आणि एका मुलांनी पहिला वाला प्रोनाउन उघडला. चालू आहे का आणि दुसरं एक उघडलं का लेक्चर? काय बोल्ट कसा आहे, काल आंघोळ केली तू? गुड बॉय. बोल, तुझी शेपूट कशी हलते मागे? टुकू 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 हलते. अरे वा 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 वा, शेक हँड शेक हँड शेक हँड. अरे गुड बॉय गुड बॉय. दीदी कुठे गेली? दीदी प्रक्षोती पेडिग्री दिलं का बोलटूला? ब्रेकफास्ट झाला का बोलटूचा सकाळ सकाळ? आणि तुला स्कूलला जायचं का? अंगू स्कूल अटेंड करतो. तुला स्कूललाच जायचं? अभ्यास करायचं. कुठे जायचं? फक्त जायचं कळतं, जायचं. हा अंगद मजा ना, हात दुखतायत आज, जिम केले तर हात पाय सगळं असं जाम जाम झालं. पहिला दिवस ना बरेच दिवस आहे, तरी एवढं नाही दुखत आहे, नाहीतर नेहमी फर्स्ट डेला खूप पेन करते बॉडी. पाय जाम झालेत, फक्त असं जाम झालेत, हेवी हेवी झालेत. असं फुल प्रयत्न करायला लागतात मला पाय उचलायला, असं एफर्ट लगाने पड रे. नाही ते नको, त्या विषयात चुरमुरे का? चुरमुरे नाही, त्याला चुरमुरे म्हणतात, आम्ही चुरमुरे म्हणतो, तू भेळ म्हणतो. पण खा, मम्मा आली की मग तुला ब्रेकफास्ट देईल. ओके, चहा हवा? अंगद को भी चाय का लत लग गया, इसको भी चाय का लत लग गया, याला पण चहा पाहिजे. हे भी कब से मेरे पीछे आ रहा है. चहा प्रक्षोदीने पेडिग्री दिले, चहा नाही दिला प्रक्षोदीने? सबका चाय कम कर दिया है. एक तो शक्कर भी नहीं हमारे चाय में, शुगर लेवल एकदम मेंटेन करने का. ऐसे शुगर वगैरह नहीं है हमको, सिंस वी क्रॉस 40 ना, तो अभी वो थोड़ा हम लोग खुद को कंट्रोल कर रहे हैं. शुगर कम, मीठा कम, मिठाई कम, रात को हेवी वाला खाना कम. कभी डाइट कंट्रोल पे ला रहे हैं. ये वेट गेन हो गया है, ये 2 साल का जो लॉकडाउन हुआ ना उसमें अंग मेहनत बहुत कम हो गई है. मेरा तो कुछ ना कुछ तो होता है एकेडमी पे, बट इन लोगों का कुछ भी नहीं होता. बस थोड़ा डाइट पे कंट्रोल रखना भी ज़रूरी है टू स्टे हेल्दी लाइफ. इसका भी वजन बढ़ गया है. देख रहे हैं, बोले तुम्हारे चक्कर में मेरा खाना क्यों कम कर रहे हो तुम लोग? हाँ बराबर क्या नहीं देना तुला, प्रक्षोदी आल्यावर चहा देना. ओके गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय. इसका पेडिग्री खा के हो गया है मॉर्निंग को, फिर भी देख रहा है. अरे काय आता, चल चुरमुरे दे तुला, घर थोड़े से मुरमुरे खाइए. मंगताई ची उसको कुछ ना कुछ तो. आलिस का आज तंतन करत नहीं आज तू? नहीं रोज तंतन करत है. इंग्लिश पेपर कसा गेला? चांगला गेला? सगळ्यात सोपा. फुल मार्क्स कसं रे? असं कसं असतं ना फुल मार्क्स सगळ्यात सोपा? मग सायन्सलाच काय होतं तुझं? सायन्सलाच 12 वाजतात. वेगळी वेगळी मारेल बरं कधी. हां जास्ती चिडवणं होतं तिला. वेटर दोडोसा, वेटर पनीर. हे पनीरवाल्या ते चुरमुरे खा. CSK असंच कलकत्ता आहे, IPL आज आहे. हो पहिली मॅच आहे. हो टीम बनवली तू? CSK वर्सेस कलकत्ता. किती वाजता आहे? 7:30. 7:30 ना? 7:30 आपण अकॅडमी वर असणार. नाही आज आपली लवकर सुटणार अकॅडमी, सॅटर्डे आहे, दुपारची प्रॅक्टिस आहे. पण बनवतो टीम, आपण पण बनवू. आता तू बॉडी ते मसल असे हे व्हायला लागले, ते शरीर पुरवायला लागले अंगद. हा बॉडी बनायला लागली तुम्ही? खुश हो गया बिचारा अंगद, कॉम्प्लिमेंट देतो अरे तेरे मसल बन रहे. हा जोर जोर से मारता है आजकल बॅटिंग करणे. जिम जाता है तो उसको ऐसा पॉवर फील कराता हूँ. अरे तुझे मसल स्ट्रॉंग झाले, अरे तुझे शॉट चांगले झाले, थोडा एनकरेजमेंट भी जरूरी होता है ना. हनी बी हनी बी हनी बी. हे धरा कुठे? वडद्याच्या मागे. कुठे? आताच तर करते. हां आई बाई बी गेली. सो इजी तुमच्यासाठी, माझ्यासाठी म्हणजे काय? तुम्ही पण शिकणार ना. दर वेळेला मधमाशी लिहिली मला बोलता, झाडू घ्यायचा आणि तिला बाहेर काढायचं. तिचं घर बाहेर नाही, जो लेक्चर चालू गाणी लावली धर झाडू जा. अनुजने एक व्हिडिओ बनवला माहिती का इन्व्हिटेशन मॅचेसवरती, व्हाय इन्व्हिटेशन मॅचेस आर इम्पॉर्टंट अँड नेसेसरी. मस्त व्हिडिओ बनवला. इन्व्हिटेशन मॅचेस क्या होती है, इन्व्हिटेशन मॅचेस क्यों खेलना चाहिए, उसके ऊपर अनुजने वो इन्व्हिटेशन खेला ये साल तो उसके एक्सपीरियंस से उसने एक व्हिडिओ बनाया. अच्छा व्हिडिओ है, गुड, आई लाइक इट. अभी भी देख रहा हूँ मैं. अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट टीम में सिलेक्ट होना है तो आपको इन्विटेशन मैचेस खेलनी ज़रूरी होती है. इन्विटेशन मैचेस ये MCA की वो लीग है जिसमें 2 दिन का 90 ओवर का फॉर्मेट होता है. 90 ओवर्स एंड 90 ओवर्स टेस्ट फॉर्मेट, मतलब फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग ऐसे होती है. उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है एंड उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको कैंप के लिए बुलाया जाता है महाराष्ट्र के. उसमें से फाइनल आई थिंक 16 या 20 बच्चे सिलेक्ट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के टीम के लिए. आप कोई भी लोकल टूर्नामेंट खेलोगे तो उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में
एक्सपीरियंस के लिए ठीक है, बट आपको अगर आगे जाना है तो आपको टेस्ट क्रिकेट खेलना आना चाहिए, दैट टू इन्विटेशन मैचेस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, और इन्विटेशन मैचेस के लिए पर्टिकुलर क्लब ही क्वालिफाइड है, उन क्लब में से ही आपको इन्विटेशन मैचेस खेलने ज़रूरी है। तो फाइंड आउट करिए कि आपके नज़दीक कौन सा क्लब है जो इन्विटेशन मैचेस खेलते हैं, उसमें एनरोल कीजिए और वहाँ से आप मैचेस खेलिए। अभी ये अनुज सार्थक और ये लोग जो है अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो इन्होंने अभी डेक्कन जिमखाना क्लब ज्वाइन किया है, तो वो लोग अभी रेगुलरली डेक्कन जिमखाना जाते हैं। इनिशियली बच्चे हमारे पास आते हैं, बेसिक सीखते हैं, अच्छा खासा मैच प्रैक्टिस उनका होता है, एंड जैसे वो अच्छा खेलने लगते हैं वी सेंड देम टू इन्विटेशन क्लब्स। डेली प्रैक्टिस भी वो लोग वहीं पे करते हैं और मैचेस भी वहीं से खेलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई इन्विटेशन मैचेस आर सो इम्पॉर्टेंट। अगर आप इन्विटेशन छोड़ के कोई भी टूर्नामेंट में कितना भी अच्छा परफॉर्म करोगे, उस एटलीस्ट महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के जो फॉर्मेट है उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है। कहीं भी कुछ भी मत करो, बट इन्विटेशन में परफॉर्म करो, तो वही सही रूट है आपका आगे जाने के लिए। सो दैट्स वाई हमारे बच्चों को हम लोग इन्विटेशन के लिए तैयार करें। बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अंगद हिट क्यों नहीं करता, अंगद मारता क्यों नहीं, अंगद सिक्स क्यों नहीं मारता। भाई क्यों मारे, उसका भी उम्र भी तो नहीं है, 10 साल में कौन सिक्स मारता है भाई। उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं बिगर फॉर्मेट के लिए, टेस्ट फॉर्मेट के लिए, जो फॉर्मेट स्टेट के लिए एलिजिबल है। ओके, अभी से T20 खेल के मतलब नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट MCA अंडर 19 तक खिलाता ही नहीं है, 19 के बाद वो फॉर्मेट आता है। तो जो फॉर्मेट हमको सिलेक्शन के लिए है ही नहीं, वो खेलने का क्यों। इसके लिए हम लोग बच्चों को टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार कर रहे हैं। एक बार उनका टेस्ट क्रिकेट में उनका फंडामेंटल जो बेसिक टेक्निक अगर स्ट्रांग हो गया, उसमें वो लोग स्कोर बनाने लगे, तो उनका आगे जाने का रास्ता और ज़्यादा ईजी एंड क्लियर हो जाता है, और यही टेक्निक उनको वनडे और T20 में भी काम आती है आगे जाके। सो दैट्स व्हाई टेस्ट क्रिकेट इज नेसेसरी, क्योंकि कोई भी एसोसिएशन या स्टेट बोर्ड उसके सिलेक्शन के लिए टेस्ट क्रिकेट ही इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट फॉर्मेट ही इम्पॉर्टेंट है, ना के T20 एंड वन डे। मारना तो बाद में सीख ही जाएंगे बच्चे, है ना। 3 hours later सलाह जेवला स्पोर्ट भरून। हाँ अभी तक खाना ही खा रहा था, 15 मिनट बाकी है सिर्फ अकेडमी पहुंचने के लिए। मस्त ताव मारा होता पोरी भात। हाँ बास काय संपवायची ना, तुला टाकून द्यायला लागतं, तू बॉल काय काढतोय सारखा रे। गुड बॉल, चला भेटू अकॅडमी वरती। मच 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 लेटर। मला चावी दे गाडीची आणि मास दे। चलो इट्स 5:15 हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी 4 घंटे का अच्छा खासा इंटेंस सेशन, गो डाउन एंड नेक्स्ट। बाय। चला तुझे पप्पा कुठे आहेत, अप्पा तुझे पप्पा येत आहेत ना। चाचा चौधरी बाय बाय। चलो बाय बाय। कोण आलंय बोलटूकडे, कोण आलं बोलटूच्या घरात, कोण आलंय, कोण आलं अंगू आलं असे आले ते कोण आले, कोण आले, आम्ही आलो आम्ही आलो आम्ही आलो। शेपूट कशी डर गया बोल्ट आवाज सुन के एकदम। कोण आलं म्हटल्यावर बोल्टूचे डोळ्याचे अंगात म्हणतो सायकलिंगला जायचंय, मला जिमला जायचंय अंग्या, तुझ्यामुळे माझी जिम बुडेल आज परत। चलो इट्स 5:45, मैं और अंगद अभी जाके आता हूँ जरा साइकिलिंग को। अंगद बोल रहा था साइकिलिंग करनी है, एंड अग्नि और प्रक्षोति घर पे नहीं है, कहीं तो बाहर गए, शायद अग्नि के ड्राइंग क्लास को गए। तब तक हम लोग साइकिलिंग करके आते हैं, फिर हो सके अगर स्टैमिना बचा तो मैं जिम जाऊँगा। 1 hour later अरे कितने वाजता है मैच, 7 वाजले, तुझे प्लेयर खेळत नाही आहेत। मग कशाला एवढा सकाळी सकाळी टीम बनवली, थांबायचं ना जरा टीम डिक्लेअर होईपर्यंत। मम्मा दीदी बाहेर, अंगदची टीम मम्माच्या मोबाईलवर, अंगद टेन्शन मध्ये। काय मारत नाही, माझं तर लॉग इनच होत नाही आहे, 1 साल के बाद लॉग इन करणे को जा रहा हो तो OTP नहीं आ रहा मेरे को, 3 अटेम्प्ट्स हो गए, बोला अभी OTP नहीं आएगा। ईमेल भेज के भी देगा, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, जाने दे। अभी आज बहुत ज़्यादा थकने हुआ है साइकिलिंग की, आज हम लोग ने बहुत लंबा राउंड मारा अंगदों ने, कह रहे मजा आ रही ना। हाँ ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा, 45 मिनट टू 1 घंटा हम लोग ने साइकिलिंग करी, पैर पैर एकदम जाम हो गए मेरे, टॉस टाइम। तो चलो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और IPL एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नॉट डेली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हिट दैट बेल आइकन, तो नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। सो दोस्तों एज ऑलवेज अडियोस अमिगोस एंड एंजॉय द IPL।